हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्कैल्प की क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल इज सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्कैल्प। देखिए, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो जो हमारी फर्स्ट थ्री लेयर्स ऑफ स्कैल्प की होती हैं, दैट इज स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपोन्यूरोसिस, ये तीनों लेयर्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इतनी टाइटली जुड़ी हुई होती हैं कि हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। और इन्हीं तीनों लेयर को हम मिला के हम बोलते हैं सर्जिकल लेयर ऑफ स्कैल्प या फिर स्कैल्प प्रॉपर। फर्स्ट थ्री लेयर्स ऑफ स्कैल्प आर फर्मली अडहेयर टू ईच अदर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो दीज लेयर्स आर कॉल्ड सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्कैल्प एंड फॉर्म स्कैल्प प्रॉपर। इन तीनों लेयर्स को हम मिला के क्या बोलते हैं? स्कैल्प प्रॉपर। तो अब इसमें क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है? देखिए, अगर कभी मशीन में हेयर्स आ जाते हैं तो हमारा स्कैल्प प्रॉपर का थोड़ा सा पार्ट रिमूव हो जाता है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाऊं, यह है हमारा स्कैल्प। अगर हेयर्स मशीन में जाते हैं और स्कैल्प का इतना पार्ट रिमूव हो जाता है, तो हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? बिकॉज स्कैल्प में हाई ब्लड सप्लाई होती है, यानी स्कैल्प की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत रिच होती है, तो हमें क्या करना है? जो एवल्स्ड पोर्शन है, यानी जो पोर्शन टीयर ऑफ हो गया है, हम उसको क्या करेंगे? अपनी पोजीशन पे रखेंगे और स्टिचेस कर देंगे और वो थोड़े टाइम में खुद हील हो जाएगा। When hairs are caught in machinery, the scalp proper is avulged. Avulged मतलब tear off हो गया। So best treatment for scalp avulsion is immediate replantation of avulsed tissue. तो इसमें जो best treatment दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि जो हमारा portion remove हुआ है उसको वापस से अपनी position पे लगा दिया जाए और वो थोड़े time में heal हो जाता है। Next clinical is dangerous area of scalp. सो जो हमारे स्कैल्प की फोर्थ लेयर होती है, दैट इज लूज एरियोलर टिश्यू, उसी लेयर को हम बोलते हैं डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। होता क्या है, देखिए, अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है या फिर हमारी इंजरी हुई है तो ब्लड हमारा सारा कहाँ कलेक्ट होता है? फोर्थ लेयर ऑफ स्कैल्प में कलेक्ट होता है, दैट इज लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर में ही कलेक्ट होता है। तो अगर इन्फेक्शन हुआ है, सपोज इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन क्या कर सकता है? इन्फेक्शन में ट्रेवल अलॉन्ग एमिसरी वेन्स इन टू द इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वीनस साइनस। This can lead to thrombosis, which may result into death. So, ये जो येलो से मैंने दिखा रखी है, ये है लूज एरियोला टिश्यू की लेयर। तो अगर कोई भी इंजरी होगी, अगर सपोज इंजरी हुई, इन्फेक्शन हुआ, तो सारी पस या फिर ब्लड कहाँ कलेक्ट होगी? दिस लूज एरियोला टिश्यू की लेयर में कलेक्ट होगी। अब अगर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन क्या कर सकता है? इन्फेक्शन लूज एरियोला टिश्यू से एमिसरी वेन्स में जा सकता है। अब एमिसरी वेन से इन्फेक्शन कहाँ चला जाएगा? हमारा इंट्राक्रेनियल ड्यूरल विनस साइनस में चला जाएगा और उससे हमारा थ्रोम्बोसिस हो सकता है, विच कैन लीड टू डेथ। हमारी नेक्स्ट क्लिनिकल है ब्लैक आई। देखिए, अगर किसी ने सर पे आपको मारा है, सपोज ब्लो ऑन हेड हुआ है और हमारे स्कैल्प में ब्लीडिंग हुई है, तो जितना भी फ्लूइड है या फिर ब्लड है वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा? लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू में कलेक्ट हो जाएगा। ब्लड कैन नॉट पास इधर इनटू ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल रीजन बिकॉज ऑफ बोनी अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। अब देखिए, थोड़ी सी ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल की बात करते हैं। यह हमारी ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, अगर हम उसका अपर व्यू देखें तो पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल बेलीज हमारी ऑक्सीपिटल बोन से कनेक्टेड होती हैं, लेटरली जो एपोन्यूरोसिस होता है वो टेम्पोरल बोन से कनेक्टेड होता है, लेकिन जो हमारी फ्रंटल बेलीज होती है वो उसका कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होता। ये कहाँ से कनेक्ट होता है? हमारी स्कैल्प की लेयर के साथ ही कनेक्ट होता है। ब्लड एंड फ्लूइड हाउएवर कैन हाउएवर ट्रैक इन टू द आईलिट्स बिकॉज ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस हैज नो बोनी अटैचमेंट एंटीरियरली। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें, ये डायग्राम आपको समझना है, ये है सेजाइटल सेक्शन। फर्स्ट लेयर इज स्किन, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड लेयर इज एपोन्यूरोसिस। इन तीनों लेयर को हम मिला के क्या बोलते हैं? स्कैल्प प्रॉपर। तो अगर कोई इंजरी हुई है तो ब्लड कहाँ कलेक्ट हो गया? फोर्थ लेयर में, दैट इज हमारी लूज एरियोला टिश्यू की लेयर में। अब बिकॉज हमारी ऑक्सीपिटल बेली कहाँ से? बोन से कनेक्टेड है। एपोन्यूरोसिस लेटरली टेम्पोरल बोन से कनेक्टेड है, लेकिन जो हमारी फ्रंटल बेली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल है वो कहाँ से कनेक्टेड होती है? हमारी
स्कैल्प की ही लेयर से कनेक्ट होती है, यानी स्किन से कनेक्टेड होती है, तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ आगे आ जाता है, आईलिड्स में आ जाता है और हीमेटोमा बना लेता है। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हीमेटोमा फ्यू आवर्स आफ्टर अ हेड इंजरी और क्रेनियल ऑपरेशन। देखिए, अगर क्रेनियल ऑपरेशन होता है तो हमारा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग से क्या होता है, थोड़े ऑपरेशन के थोड़े घंटों बाद हमारे आईज में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लैक कलरेशन हो जाता है, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि ब्लड कहाँ जाता है, हमारा आईलिड्स में आ जाता है, कॉजिंग ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन अराउंड द आईज। दिस कंडीशन इज नोन एज ब्लैक आई। तो दोस्तों, आपको क्लिनिकल एनाटॉमी में इतना ही करना है। वैसे क्लिनिकल किसी भी टॉपिक की बहुत सारी होती हैं, पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल्स थी वो सारी कवर कर दी हैं। फर्स्ट वीडियो में कुछ क्लिनिकल्स बताई थी और इस वीडियो में कुछ क्लिनिकल्स बताई हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करिए, और अगर कोई डाउट है तो मेरे नंबर पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।